हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी वीडियो देख रहे हैं। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप वीडियो ध्यान से सुन रहे हैं। आप वीडियो देखते देखते कुछ खा रहे हैं। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे मैं ये क्या बोल रहा हूं। जी हाँ, कुछ इसी प्रकार के वाक्यों को आज हम अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना सीखेंगे। दोस्तों, इन सारे वाक्यों को जिन्हें अभी मैंने बोला, जिनके अंत में रहा है, रही है, इत्यादि आते हैं, इत्यादि शब्द इस प्रकार से आते हैं, ये टेंस विशेष प्रकार का टेंस होता है। इस टेंस को हम कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं, क्योंकि इनसे जो है, इन टेंसेस से हमको किसी चीज की कंटिन्यूटी या निरंतरता का बोध होता है। दोस्तों, कोई कार्य, कोई क्रिया लगभग निरंतर घटित हो रही है, इस बात का बोध होता है। आज हम इसी टेंस को पढ़ने वाले हैं, इसी हिस्से को पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। दोस्तों, इन सेंटेंसेस को आज हम अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना सीखेंगे। दोस्तों, ये हैं सारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के उदाहरण। लेकिन इससे पहले कि इसे हम अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना सीखें, दोस्तों, एक कुछ जरूरी बातें हैं जिन्हें मैं आपको बताना चाहूंगा। पहले, इस टेंसेस में हमको जो है एम, इज या आर, इस प्रकार के हेल्पिंग वर्ब्स का प्रयोग करना रहता है। दोस्तों, चलिए आइए सीख लेते हैं पहले कि एम, इज और आर को कहां कहां लगाना रहता है। दोस्तों, चलिए आइए देखिए, आई के साथ एम का प्रयोग होता है दोस्तों, और इसके पश्चात ही, शी, इट। ही किसी लड़के के लिए, शी किसी लड़की के लिए, इट किसी किसी जीव के लिए, किसी निर्जीव के लिए, या कभी कभी इन्फेंट या शैशव अवस्था के बच्चे के लिए इट का प्रयोग कर दिया जाता है। दोस्तों, इसके पश्चात ही, शी, इट और कोई एक नाम, मान लीजिए राम, ये सारे अगर आपके सब्जेक्ट्स में रहेंगे दोस्तों, तो इन सब के साथ हमें इज का प्रयोग करना रहता है। इज, ही इज, शी इज, इट इज और राम इज, इस प्रकार से। दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं हम आर का प्रयोग कहाँ होता है। इसके पश्चात यू, वी, तुम, हम, दे, वे या वे सब, और एक से अधिक नाम दोस्तों, राम एंड हरी, राम एंड हरी। अगर सब्जेक्ट्स में ये सारे रहेंगे तो आपको आर का प्रयोग कर देना है दोस्तों, आर। तो ये तीन प्रकार के हेल्पिंग वर्ब्स हैं दोस्तों, आप देख लीजिए ध्यान से, एम, इज और आर। इन्हीं तीनों हेल्पिंग वर्ब्स का प्रयोग हम इन सब्जेक्ट्स के साथ साथ बारी बारी से करते हैं दोस्तों। तो इसे आप ध्यान से देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं दोस्तों, ताकि आगे हम इसे मिटाएं और हमारे इन उदाहरणों को आगे समझते चलें। दोस्तों, आगे हम इन उदाहरणों को देखते हैं। पहला उदाहरण है दोस्तों, मैं गुब्बारा फुलाता हूं, मैं गुब्बारा फुलाता हूं। देखिए, मैं के लिए हम सबसे पहले आई शब्द लगा देते। अब आई के साथ मैंने अभी हेल्पिंग वर्ब आपको लगाना सिखाया दोस्तों, आई के साथ क्या लगेगा, एम, आई एम, आई के तुरंत बाद आपको एम लगा देना है दोस्तों, आई एम। उसके बाद देखिए, फुलाना, गुब्बारा फुलाना, अभी गुब्बारा फुलाने की भी प्रक्रिया होती है, फुलाना यानी कि किसी चीज में हवा भरना। अब इसके लिए कौन सा वर्ब होता है दोस्तों, ध्यान से इसे भी समझ लिया जाए। अच्छा, चलिए सबसे पहले गुब्बारा फुला के ही देख लेते हैं दोस्तों, जादू से गुब्बारा ले ही आते हैं। चलिए, ये आ गया हमारा गुब्बारा दोस्तों, चलिए इस गुब्बारे को अब फुला के देखते हैं। ये रहा दोस्तों गुब्बारा, और गुब्बारा
ये हमारा बलून और इस बलून को मैंने फुला दिया। तो हवा भरने के लिए या फुलाने के लिए हमारे पास अंग्रेजी में है ब्लो अप। ब्लो यानी कि फूंक मार के हवा भरना दोस्तों। चलिए तो हम इसे इस गुब्बारे को करते हैं टाटा बाय बाय और आगे हम ब्लो अप करते हैं दोस्तों। आई एम ब्लोइंग अप अ बलून। आई एम ब्लोइंग अप अ बलून। बलून गुब्बारा और ब्लोइंग अप। देखिए दोस्तों यहां पर जब कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग हम करते हैं तो उसमें वर्ब में आई एन जी का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। हर क्रिया के साथ हमको आई एन जी जोड़ते चले जाना है। ऐसा कंटिन्यूअस टेंस में किया जाएगा। आगे के भी कंटिन्यूअस टेंसेस में हम आई एन जी ही जोड़ेंगे दोस्तों। आई एम ब्लोइंग अप अ बलून। ये हो गई हमारी वर्ब या क्रिया, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट या कर्ता, और ये हो गई हमारी हेल्पिंग वर्ब या सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब ये हो गई हमारी मेन वर्ब मुख्य क्रिया ब्लोइंग अप मुख्य क्रिया, और ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट या कर्म, ये इसे हम कहते हैं आर्टिकल दोस्तों, आर्टिकल या उपपद। तो इतने सारे हिस्से आप इस सेंटेंस के देख पा रहे होंगे दोस्तों। चलिए आगे हम अन्य उदाहरणों की ओर चलते हैं। अब दूसरा उदाहरण है दोस्तों, हम रजाई मोड़ रहे हैं। जी हाँ, ठंड का मौसम है दोस्तों और ठंड में हमें जो है बड़ी कपकपी होती है। ठंडी हवाओं से सर्द हवाओं से बचने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, अपने घरों में अलाव जलाते हैं और अलाव जलाने के साथ साथ हम स्वेटर पहनते हैं और रात में रजाई ओढ़ के कंबल ओढ़ के सोते हैं। जी हाँ, तो चलिए उसी रजाई और कंबल के लिए हम आज इस उदाहरण को लेके आए हैं। हम रजाई मोड़ रहे हैं, हम रजाई मोड़ रहे हैं। चलिए हम मोड़ रहे हैं रजाई, इसे इस प्रकार से बनाएंगे हम। हम के लिए वी, उसके तुरंत पश्चात आपको एम इज या आर हेल्पिंग वर्ब्स में से किसी एक हेल्पिंग वर्ब को लगाना है। अभी मैंने आपको बताया कि वी के साथ आर लगता है दोस्तों, आर। चलिए तो लिख देते हैं वी आर, वी आर। अब देखिए दोस्तों, मोड़ना, मोड़ना शब्द के लिए हमारे पास है वर्ब फोल्ड, बच्चा बच्चा जानता है फोल्ड। देखिए वी आर फोल्डिंग, वी आर फोल्डिंग। फोल्ड मुख्य वर्ब मुख्य क्रिया, इसमें आई एन जी जुड़ गई दोस्तों, वी आर फोल्डिंग। अब रजाई, रजाई के लिए शब्द है क्विल्ट, वी आर फोल्डिंग क्विल्ट। क्विल्ट, वी आर फोल्डिंग अ क्विल्ट, हम रजाई मोड़ रहे हैं। ये जो आर्टिकल है वो केवल सिंगुलर नंबर के साथ ही अटैच होगा, यानी कि एक वचन वाले ऑब्जेक्ट के साथ ही अटैच होगा दोस्तों। अगला उदाहरण देखिए, तुम कुछ बड़बड़ा रहे हो। बड़बड़ाते हैं लोग दोस्तों, बड़बड़ बड़बड़ करते रहते हैं। जब हम किसी से नाराज हो जाते हैं, किसी की बातों से नाराज रहते हैं तो हम बड़बड़ाने लगते हैं। और कई लोग तो बड़बड़ाना मतलब ऐसी आवाज़ निकालना जो सामने वाले को ढंग से सुनाई ना दे। बिल्कुल, सामने वाले को अगर आप गुस्से में गाली दे रहे हैं तो धीरे 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 मुँह आपका इतना साउंड करे कि केवल आपको सुनाई दे, इसे कहते हैं बड़बड़ाना दोस्तों। चलिए बड़बड़ाना भी हम सीख लेते हैं। तुम कुछ बड़बड़ा रहे हो। तुम के लिए हमारे पास शब्द है यू,
यू, तुम। अब तुम के तुरंत बाद हमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाना है? यू आर, ठीक है बच्चों, आप सभी को समझ में आ गया है, यू के बाद आर लगाना है, यू आर। अब देखिए, बड़बड़ाना, तुम बड़बड़ा रहे हो कुछ, तुम बड़बड़ा रहे हो कुछ। हम ऑब्जेक्ट को लास्ट में ढकेल देंगे दोस्तों, तुम बड़बड़ा रहे हो। अब बड़बड़ाना के लिए हमारे पास शब्द है दोस्तों, एक वर्ब है मंबल, मंबल, ये मंबल दोस्तों। अब मंबल में हमको आईएनजी लगाना पड़ेगा, मंबल यानी बड़बड़ाना। अब मंबल में हमें आईएनजी लगाना है तो हमको इस ई को, लास्ट वाले ई को हटाना पड़ेगा दोस्तों, और ई की जगह में हम आई एन जी लगा देंगे, यू आर मम्बलिंग। अब कुछ के लिए क्या शब्द है? कुछ के लिए समथिंग, 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 यू आर मम्बलिंग समथिंग, तुम कुछ बड़बड़ा रहे हो। आगे देखते हैं, वह कैंची से बाल काट रहा है दोस्तों, वह कैंची से बाल काट रहा है। कैंची से बाल कौन काटता है दोस्तों? नाई, जाहिर सी बात है, बार्बर। अच्छा, मैं भी और आप भी बार्बर के यहां तो जाते ही होंगे, बार्बर जो है, मैं भी पिछले हफ्ते बार्बर के पास गया था दोस्तों, और एक्चुअली मेरा जो, मेरी जो जुल्फे हैं वो काफी घनी हो हुआ करती थी दोस्तों, काफी बड़ी झाड़ झंकार जैसी, और मैं आपको उसका, उसकी तस्वीर जरूर दिखाना चाहूंगा दोस्तों। आप देख सकते हैं बार्बर ने मेरा किस प्रकार का हेयर कट किया, देखिए आप। कुछ और तस्वीरें देखिए दोस्तों, किस प्रकार से बार्बर ने मेरी जुल्फों के साथ बहुत ज्यादा बदसलूकी की दोस्तों, और अंततः मुझे अपने जुल्फों का त्याग करना पड़ा, और अंततः फाइनली देखिए इस प्रकार से आपके सामने पेश हूं दोस्तों। ये कैंची है दोस्तों, दिस इज सिजर्स, इसे हम सिजर्स बोलते हैं। इसे एक प्लूरल या बहुवचन की संज्ञा मानी जाती है क्योंकि इसके दो पार्ट हैं दोस्तों, ये देखिए एक और दो पार्ट। तो एनीवेज, इस कैंची को मैं छुपा के रख देता हूं कहीं दोस्तों, ताकि वो बार बार यहां आकर के कैंची ढूंढ ना ले। चलिए दोस्तों, इसे यहां शांतिपूर्वक रख देते हैं। अब दोस्तों, इस उदाहरण को हम बनाते चलते हैं, वह कैंची से बाल काट रहा है। चलिए, वह के लिए हमारे पास शब्द है दोस्तों ही के तुरंत बाद हमें लगाना है एक हेल्पिंग वर्ब, इज, ही इज, वह काट रहा है, वह काट रहा है, ही इज कटिंग, ही इज कटिंग, वह काट रहा है। क्या काट रहा है दोस्तों? बाल काट रहा है, वह काट रहा है बाल, ही इज कटिंग हेयर, ही इज कटिंग हेयर, वह काट रहा है बाल। और उसके पश्चात जो बात, बाकी बातें बची उसे हम लास्ट में डाल देंगे, बिल्कुल जो है, ये हेयर हो गया आपका ऑब्जेक्ट, और उसके पश्चात जो आने वाली अन्य चीजें हैं, जैसे कि कैंची से, कैंची से, विथ हेयर, विथ सीजर्स, विथ सीजर्स, देखिए विथ सीजर्स, विथ का प्रयोग से के लिए किया जाता है दोस्तों, जहां पर हम किसी किसी टूल का उपयोग करते हैं, किसी चीज का औजार की भांति उपयोग करते हैं, वहां पर हमें विथ का प्रयोग करना रहता है से के लिए। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों अन्य उदाहरणों की ओर। अगला उदाहरण है, राधा दूध मथ रही है, राधा दूध मथ रही है। दूध मथना सभी देखे हैं अपने घरों में, आपकी माताएं बहनें
ये सारी दादी नानी ये सभी दूध वगैरह मथती हैं, उससे मक्खन और इस तरह से चीज़ें बनाती हैं, घी वगैरह बनाया जाता है। तो ये जो मथने की प्रक्रिया है उस पर उदाहरण ये मैंने बनाया है। ये हिंदू मैथोलॉजी में एक मथने की बहुत बड़ी प्रक्रिया का भी उल्लेख मिलता है दोस्तों, समुद्र मंथन। समुद्र मंथन का प्रयोग, इसकी घटना का उल्लेख हमको विष्णु पुराण में मिलता है। और इस घटना में समुद्र मंथन के दौरान एक पर्वत का उपयोग किया था देवताओं और दानवों ने दोस्तों। एक तरफ थे देवता और एक तरफ थे दानव, और एक विशाल पर्वत था मंदराचल नाम का पर्वत, जिसको मथनी के रूप में उपयोग किया गया उनके द्वारा। और जो नाग होता है, जो भगवान शंकर के गले में लपटा हुआ नाग होता है, वासुकी नाग जिसे बोलते हैं, उसका उपयोग जो है उस रस्से के रूप में किया गया था दोस्तों, जिससे समुद्र को मथा गया ऐसा माना जाता है। खैर, ये हो गई माइथोलॉजी की बात, बच्चों को ये भी जानकारी होनी चाहिए, इसलिए मैं बताता चल रहा हूँ इसे। चलिए आगे चलते हैं हम। वह राधा दूध मथ रही है, तो सबसे पहले हम राधा लिख देंगे दोस्तों। राधा ये हमारी सब्जेक्ट है, उसके पश्चात राधा के बाद हम लगाएंगे तुरंत इज हेल्पिंग वर्ब, और मथना, राधा मथ रही है दूध, इसे हम किस प्रकार बनाएंगे, राधा मथ रही है दूध। तो मथना के लिए एक वर्ब है जिसको हम बोलते हैं चर्न, CHURN, चर्न यानी होता है मथना, और इसमें हमें लगाना पड़ेगा ING, राधा इज चर्निंग, और इसके पश्चात क्या मथ रही है, तो जो ऑब्जेक्ट है यानी कि मिल्क, मिल्क, राधा इज चर्निंग मिल्क। अब ये ध्यान रहे दोस्तों, ये मिल्क जो है उसके आगे में हमें AN इसका प्रयोग नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि ए और एन का प्रयोग जो है केवल काउंटेबल नाउन्स या जिसे हम गिन सकते हैं गणनीय संज्ञाओं के साथ ही किया जाता है दोस्तों। मिल्क जो दूध है उसे तो हम गिन नहीं सकते, है ना, दूध की बूंदों को गिन सकते हैं, लेकिन दूध को, पानी को, हवा को गिना नहीं जाता है, तो ये बात ध्यान रखेंगे। आगे चलिए अगला उदाहरण देखते हैं। वह जलाऊ लकड़ी ला रही है, वह, चलिए ये वह कौन सी है, लड़की, अगेन शी, लड़की के लिए शी। अब उसके तुरंत बाद हमको लगाना है दोस्तों इज, शी के बाद इज। अब वह ला रही है, वह ला रही है जलाऊ लकड़ी, इसे इस प्रकार बनाएंगे, वह ला रही है, शी इज, लाना के लिए हमारे पास है ब्रिंग, ब्रिंग, ब्रिंग में ING लगाएंगे हम, शी इज ब्रिंगिंग जलाऊ लकड़ी, जलाऊ लकड़ी, जलाऊ लकड़ी के लिए हमारे पास शब्द है फायरवुड, शी इज ब्रिंगिंग फायरवुड। ऐसी लकड़ी जो फायर पकड़े या आग पकड़े। उसके पश्चात आइए, वे मंदिर की दहलीज से चप्पलें चुरा रहे हैं, वे, उदाहरण देखिए, वे, वे के लिए हमारे पास है दे, दे, दे के तुरंत बाद हमें हेल्पिंग वर्ब लगाना है दे आ, दे आ, वे, वे चुरा रहे हैं, वे चुरा रहे हैं चप्पलें मंदिर की दहलीज से, चलिए वे चुरा रहे हैं,
चुराना के लिए हमारे पास है वर्ब स्टील, 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 दे आर स्टील। अब इसमें आईएनजी लगेगा, दे आर स्टीलिंग, वे चुरा रहे हैं चप्पलें, स्लीपर्स, स्लीपर्स, दे आर स्टीलिंग स्लीपर्स। अब चप्पलें चुरा रहे हैं कहां से? मंदिर की दहलीज से, मंदिर की दहलीज से। तो फ्रॉम, फ्रॉम द थ्रेशोल्ड, फ्रॉम द थ्रेशोल्ड ऑफ टेम्पल, दे आर स्टीलिंग स्लीपर्स फ्रॉम द थ्रेशोल्ड ऑफ टेम्पल या ऑफ द टेम्पल। देखिए थ्रेशोल्ड का अर्थ होता है दहलीज, दहलीज का अर्थ होता है चौखट, जहां पर दरवाजा लगा रहता है दोस्तों। चौखट ना अंदर होता है और ना बाहर होता है, वो बिल्कुल बीच की चीज होती है, घर के अंदर और बाहर दोनों के बीच दहलीज या चौखट होता है, जिसे हम थ्रेशोल्ड बोलते हैं दोस्तों। दे आर स्टीलिंग स्लीपर्स फ्रॉम द थ्रेशोल्ड ऑफ टेम्पल। फ्रॉम यानी यहां पर से, से। सोनू और मोनू नदी में सिक्के खोज रहे हैं। आगे सोनू और मोनू, देखिए यहां पर हमारे पास सोनू और मोनू दोनों ही सब्जेक्ट हैं, दो नाम वाले, एक से अधिक नाम वाले सब्जेक्ट हमारे पास है। तो लिख देते हैं हम सोनू एंड मोनू, सोनू एंड मोनू। आपने बच्चों को देखा होगा गंगा नदी या ऐसी पवित्र नदियों में, जहां पर दर्शनार्थी जो है कुछ ना कुछ डालते रहते हैं नदियों में, उसको ये बच्चे जो है बड़ी ही तत्परता से जो है गोता लगा लगा के जो है निकालते हैं दोस्तों, और इससे इनकी जीविकोपार्जन होता है, ये आजीविका का साधन है इनके। ये बच्चे जो है गरीब होते हैं और बड़ा मेहनत करते हैं दोस्तों। चलिए सोनू एंड मोनू, अब सोनू और मोनू खोज रहे हैं, इस तरह से बनाना पड़ेगा हमें, सोनू और मोनू खोज रहे हैं। इसके तुरंत बाद हमको क्या लगाना पड़ेगा? वर्ब लगाना पड़ेगा। सबसे पहले हम सोनू और मोनू के लिए हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। सोनू एंड मोनू दो लोग हैं चूंकि, तो यहां पर हमें आर लगाना पड़ेगा, आर। सोनू एंड मोनू आर खोज रहे हैं। खोजना के लिए हमको एक शब्द है हमारे पास, स्कॉफ, स्कॉफ। ये देखिए स्कॉफ, सोनू एंड मोनू आर, अब इसमें आईएनजी लगा देंगे हम दोस्तों, स्कॉरिंग। सोनू एंड मोनू आर स्कॉरिंग, खोज रहे हैं, खंगाल रहे हैं, बड़ी ही शिद्दत के साथ ढूंढ रहे हैं, ये शब्द है स्कॉविंग। ये देखिए अब सोनू और मोनू खोज रहे हैं, क्या खोज रहे हैं? तो ये मेन वर्ब के बाद हमको क्या लगाना है? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यानी कि कॉइन, सिक्के को बोलते हैं हम कॉइन, कॉइन्स। जाहिर सी बात है एक सिक्का तो खोज नहीं रहे होंगे, बहुत सारे सिक्के होंगे। सोनू एंड मोनू आर स्कोरिंग कॉइन्स, कहां से खोज रहे हैं? नदी में खोज रहे हैं, नदी में, इन द रिवर, इन द रिवर, इन द रिवर। देखिए इन यानी कि में और रिवर यानी नदी। सोनू और मोनू खोज रहे हैं,
आर स्कोरिंग कॉइन्स इन द रिवर। तो इस तरह से इन सारे सब्जेक्ट्स को देखिए आप, आई वी यू ही सिंगल नाम, शी दे और एक से अधिक नाम, इन सब के उदाहरण मैंने आपको दे दिए हैं यहाँ और बहुत ही अच्छी तरह से आप इसको समझ सकते हैं। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा दोस्तों। आप देखिए वीडियो को बार बार ताकि आपको क्लियर होता जाए कॉन्सेप्ट, और साथ साथ नोट्स भी बनाते चलेंगे तो और भी आनंद आएगा दोस्तों आपको पढ़ने का। नए नए शब्द सीखेंगे आप और डेफिनेटली इंग्लिश आपके लिए बहुत बहुत ही फ्रेंडली सब्जेक्ट बनेगा दोस्तों। इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ, और भी आपके लिए इस प्रकार के वीडियोस लाता रहूँगा। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें और प्लीज़ 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 शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।